Oh, sa akin lola. Ano to? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत है। और ये मेरी बेटी को मैंने डॉल बना के सजा के रखे है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज हम जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा डिनर प्लान था, हम तीनों फैमिली हमारे, मतलब हम जो रहते तीनों जन और मेरी बेटी साथ में तो है वही। और एक्चुअली आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे जिसको हम बुकिंग करना पड़ेगा। पहले हमने ऑलरेडी बुक कर दिया और रात के 8 बज चुके हैं, अभी 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो आज यहाँ तक जिन्होंने देख लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और ये तो पता है आप लोगों को जगह जो मेरे घर के पास है, हमारे घर के पास, तो उस मॉल में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जिस जहाँ पे बारबेक्यू नेशन है उसका नाम। और वो बारबेक्यू नेशन बहुत अच्छा है, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा सुना। और हम कुछ दिनों से बहुत स्क्रॉल कर रहे थे कि क्या है वो, क्या है, तो हमने देखा कि वो उसमें आप लाइक ऑफ डे, अगर जो वीकेंड पे होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और वीक डेज पे आपको 73% मिलेगा। और जिनका बर्थडे है वो फ्री है, मतलब अभी आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है। हमने ये मौका, मतलब हाथ से जाने का मन नहीं कर रहा, तो हमने सोचा कि चलो इस मौके को एंजॉय करते। तो हम तीन जन हैं और यहाँ पे क्योंकि मेरा बर्थडे है आज, तो हम दोनों का फ्री है, मतलब उन दोनों का फ्री है, मैं तो मेरा सॉरी मैं फ्री हूँ, मतलब मेरे पैसे नहीं है, लगेंगे उनका तो लग जाएंगे। और टुडे वी आर वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज टुडे टुमारो इज माय बर्थडे एंड टुडे इज दीदी बर्थडे, सो आवर आई थिंक वी हैव सम सरप्राइज फ्रॉम हिम मिस्टर एल्डर अमीन। So let's check it out. What is there for us? What is there for us, bro? Where today? So any surprises? I like only food. That's it. तो अभी हम पहुंच गए बारबेक्यू नेशन पे, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, और जो बर्थडे के लिए है वो आते हैं। आप लोग जो जो लाइक जो दुबई में है, सिलिकॉन में रहते हैं और दुबई में रहते हैं, और बारबेक्यू नेशन जहाँ जहाँ पे भी है, आप लोग जाए उधर, फ्री बुफे का एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है उसमें। वैसे आज तो हमारा पहला फर्स्ट टाइम है, और तो इसलिए हम चले कि चलो देखते कि क्या होता है। और वैसे तो मतलब ये सोने पे सुहागा होता है कि एक जन का फ्री है, दो जन का है, तो अल्लाह करे सब कुछ सही से हो जाए। और हम फाइनली पहुंच गए और इतना भीड़ था, अच्छा हुआ हमने बुकिंग कर दी, क्योंकि मैंने गूगल पे जब सर्च की तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले बुक करने से अच्छा हो जाता है। तो ये रहा मेन्यू। एक्चुअली यहाँ पर जो स्टटर है जो लाइक जो बारबेक्यू का सब चीज़ें हैं वो लोग वो खुद देते हैं, उसके बाद आप बुफे से वो बाकी जो खाने की चीज़ें आप खुद लग के लेके जा सकते हैं। मतलब काउंटर रखा हुआ है, आप कुछ बोल सकते हैं उनको, वो दे देंगे। और माशाल्लाह बहुत सारे एकदम लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा था, घर के पास ही था, और भी ज़्यादा अच्छा था कि पेट भर गया, घर चलते निकलते। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे सपोर्ट करें। और ये रहा सिलिकॉन का बाहर का रास्ता जो मैंने किसी दूसरे वीडियो में शायद दिखाया होंगे आपको। और अभी मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि खाने में क्या क्या है। और यहाँ पे पानी पूरी थी, चाट थी, तो मुझे अभी मेरा डिनर का टाइम हो रहा है, मतलब अभी मैं चाट वाट खा ली ना तो मुझे वो चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, तो बस मैं मीठा चीज़ें देख के भी मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कि मैं इसको इग्नोर करती हूँ।
और मैं गई सलाद सेक्शन पे, उस पर भी बहुत अच्छा खासा चीज़ें था। तो मैं अभी गई ग्रेवी के सेक्शन पे जहाँ पे बिरयानी थे और बहुत सारे चीज़ों का आइटम था। और सबसे मज़ेदार चीज़ें क्या है पता है, एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे इमोशन के साथ बहुत कनेक्ट है, वो आसाम की चीज़ थी। और वो इतना लिटरली मुझे वो देख मुझे इतना खुशी हुई, वहाँ पे लिखा हुआ था आसाम आसाम करके लिखा हुआ था, मुझे वो आसाम देख के इतना, ये जो ग्रीन कलर का डिश है ना वो आसाम का है, तो वो बहुत देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और ये भी देख के मुझे तो इसमें से बस मुझे मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे मैं सोची कि क्या क्या खाओ माइंड में, यहाँ पे ग्रिल कर रहे एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ वो लोग बना के देते हैं और यहाँ ऐसे टाइप के सजा के रखते हैं कि आप लोगों को गरम गरम खाने को मिले। जैसे आप अभी ये जो टेबल के बीच रखा हुआ है ये चीज़ें, इसमें कोयला डाला हुआ है और ऊपर से सब जो स्टीक है वो ला के रखेंगे, आपको गरम गरम खाना है। इतना मज़ेदार था, मैंने लाइक मुझे, मैं बुफे बहुत बार गई पर ये ऐसे टाइप के बुफे में नहीं गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और माशाल्लाह मेरी बेटी भी बैठ गई, एक्चुअली उसको भी हम कुछ ना कुछ करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड तो पानी पूरी के बहुत दीवाने, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, पानी पुचका, हम तो घर पे मतलब हमारे टाइप पुचका भी बोलते, पानी पूरी पूरी बोलते, सब कुछ बोलते। तो मैंने एक ले लिया, वैसे तो मुझे खाना खाना है इसलिए मैंने एक ही पानी पूरी ली। और ये देखिए ये इतने सारे आइटम, इतने सारे मतलब मुझे ये ग्रिल्स देख के ना मुझे ऐसा लगा कि शायद ये खाने के बाद हमको नहीं खाना, मतलब पेट ऑलरेडी भर जाएगा। और वो लोग हम ख़त्म कर रहे एक वो और एक लेके आ रहे, वो ख़त्म कर रहे और एक लेके आ रहे। और इतना टेस्टी था, मैंने पहले फ़िश ट्राई किया, फ़िश भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मुझे फ़िश ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना सॉफ्ट था चटनी के साथ और कुछ बूंदे दिया था, इतना टेस्टी था, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और ये देखे प्रॉन्स का यार, इतना मतलब मुझे लिटरली मैं बस मैं बिना देखे मैं खा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। और मलाई टिक्का भी बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे चटनी दो तरह की चटनी थी, जो एक मैंगो की चटनी थी, एक पुदीने की समथिंग चटनी थी, उतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग अगर जो भी है यूएई में रह रहे हैं, आप लोग जाए देखे उधर, किसी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, कभी भी बर्थडे, तो आप किसी फ्रेंड के साथ जा सकते हैं। वैसे तो आपका बुफे फ्री है, पूरा का पूरा चीज़ें फ्री है, ऊपर से आपको सरप्राइज़ केक भी मिलने वाला है। तो मैंने ये खाना खा लिया और मैंने गए जाके चावल थोड़ा सा और थोड़ा सा चिकन का मलाई टिक्का, चिकन सॉरी ये बटर चिकन और थोड़ा सा चावल लेके आए, क्योंकि मुझे मेरा ऑलरेडी पेट भर गया। और मैंने आके देखा कि यहाँ पे लेमन सोडा डाल के गए और इतना मुझे इतना पसंद आया वो लेमन सोडा, जब मेरे हस्बैंड इसको ऑर्डर कर रहे थे ना तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद, मुझे ऐसा फील हुआ, पर इतना टेस्टी था। हालांकि वैसे तो आप बुफे में ये इंक्लूड नहीं होता, ये जो लेमन सोडा है, पानी है, आपको ये बुफे का एक्स्ट्रा मिलता है। और बाकी सारे खाने आपको ऑर्डर कर सकते कुछ भी, ये इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। तो मैं गई कि मैंने थोड़ा सा पेट में खाली जगह बचा के रखे थे कुछ स्वीट आइसक्रीम के लिए, तो ये भैया ने मुझे जो मलाई कुल्फी वो दी है, और इतना मतलब इतना मुझे देख के ना इतनी मतलब खाने का मन कर रहा था। तो मैंने ये एक दिया था ना, तो मैंने उनको किसे पूछ लिया कि और एक मिल सकता है क्या तो उन्होंने लिटरली मुझे दो मलाई का जो वो दिया, मुझे कट करके अच्छे से, दोनों मिक्स नहीं होता, आई मीन और ये मैंगो वाला कुल्फी था, इतना मतलब लाइक वो मुझे देख के इतनी मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। तो मैंने बोला भैया आप एक ही प्लेट में डाल दीजिए, क्योंकि हम तीन लोग थे, अगर मैं नहीं पूरा ख़त्म कर पाई तो मेरे देवर भी है, हस्बैंड को तो इतना पसंद नहीं है ऐसे आइसक्रीम। तो मैंने ये देखी और तो देखने से भी मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी, तो मैंने एक बाइट ले ली थी। इतना क्रीमी था उसका टेक्सचर, इतना सॉफ्ट था, इतना मज़ेदार था। बचपन में हमने जो कुल्फी खाया था उसी टाइप का था, तो मैंने सोचा कि तो चलो कुछ और लेके आते। मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स ले ली, मैंने अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा सा फ्रूट्स ले ली।
और जो ये कस्टर्ड है, मैंने ये कस्टर्ड भी थोड़ा सा ले लिया क्योंकि मैं मुझे कस्टर्ड बनाना आता है, तो मैंने सोची कि उसको मैं कम ही खाऊंगी, जो मुझे नहीं बनाने आते मैं उसको खाऊंगी, पर नहीं मिल जाता ऐसा कुछ, तो मैंने जलेबी ले ली क्योंकि मैं बहुत जलेबी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे जलेबी पसंद है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि बहुत सारे आइटम्स थे और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो आपको मतलब टेस्ट करके बहुत मज़ा आ जाता है, पर भूख भी मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो गया, अगर ओवर ईटिंग हो जाता तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने थोड़ा सा स्वीट्स ले लिए और मैं गई और आराम से बैठी। इसमें से भी मैं मतलब अगर किसी को चाहिए तो मैं देने वाली कि ये भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा ख़त्म कर पाऊँ, पर अल्लाह का शुक्र है मैंने पूरा ख़त्म कर दिया और मेरी बेटी भी थोड़ा सा कुछ खा ली और मेरे देवर की देखिए जो मैनेजर है उनसे बात करे अच्छे से, ये नेपाल से है और उनका बर्थ भी आसाम में भी हुआ। और यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करते रहे इस तरीके से। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लाइक आपको आप बताएं आपकी फीलिंग्स क्या क्या, और कौन कौन यूएई से है वो भी आप बताएं मैसेज में। और ये है, हम अभी थोड़ा सा बातें करेंगे उसके बाद हम जाने वाले हैं। और तभी हमें याद आया कि वो आके पूछे कि आप लोगों का जाने वाले, हम बोले हाँ, तो बोले कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो ये रहा वो सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ पे जो बुफे तो फ्री होता है वो लोग लिटरली बर्थडे देते हैं, बर्थडे का केक देते हैं और वो सॉन्ग गाना गाते हैं, पूरा गाना बजता है और गाना भी गाते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे जैसे बच्चों के टाइप के लग रहे थे, पर सब लोग घेर के बैठे खड़े थे तो मुझे इतना ऐसा लगा कि कोई बात नहीं कर लेते, तो हमने ऐसे कुछ थोड़ा सा ऐसे मस्ती में कर लिया। सॉफ्ट था, मुझे लगा नहीं था कितना सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी सॉफ्ट था। और ये मेरी बेटी मेरे देवर के साथ दोनों साथ में बाहर खेलती है, बाहर का भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, कि उस वक्त हम जब आए थे उस वक्त तो भीड़ था तो हमें वही जगह पे बैठना पड़ा, पर ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी। और आजकल तो दुबई में बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा है तो उसका और भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं खड़े होके देख रही थी कि मुझे फ़ोटो खींचने हैं, तो ये दोनों आ गए, मैं उनके लिए वेट कर रही थी। तो बस हम अभी निकलने वाले, सबको बाय बोल दी कि ऐसे वो अभी 11:30 बज चुके और शायद पूरा सुबह से लेके 11:30 तक उन्होंने अब मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी बहुत एक बड़ी बात है कि खड़े होके स्माइल करके बहुत मेहनत करते हो, हैट्स ऑफ। लाइक मुझे, मैंने उन सबको अच्छे से बाय बोल दिया और थैंक यू भी बोल दिया ताकि सब अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें प्लीज़। और आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। और जिनका भी नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, दुबई में है, यूएई में है, प्लीज़ आप फ्री गिफ्ट ले लें, फ्री चीज़ें एक्सेप्ट करें और बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।